Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हाँ ताहिर जी, आप स्टूडियो में रहिए, एक हमारे हाँ बोलिए मुहर्रम के हवाले से एक प्रोग्राम करें आप, 10 मुहर्रम को उसमें खुशी है, एक्स मुस्लिम हो उनको ले लें, वो जरा मजा आ जाएगा फिर। चलिए कोशिश करते हैं। आप भी एक, मैंने कहा था कोई एक टॉपिक पे आप तैयारी कर ले, फिर एक उस दिन के साथ स्ट्रीम कर लेंगे फिर से। हम आपके साथ ही हैं, मतलब नहीं। जी जी जरूर। इल्म जी आपका स्वागत है स्ट्रीम में। धन्यवाद धन्यवाद। पहले मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने हिंदी समझती हूँ परंतु बोलने के टाइम पे मुझे उतनी, आपकी जैसी तरह आप बात करते हैं मेरी से उतनी अच्छी तरह से बात नहीं होंगे, परंतु मैंने अच्छा, नहीं, लेकिन आप मुस्लिम है क्या? हाँ हाँ भाई साहब, हम मुस्लिम है। अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ से है आप? हम इंडिया से नहीं है, आप ये बोल सकते हैं हम इंडिया से नहीं है, हम इंडिया के बाहर में है। ठीक है ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। आप तो बोलती है कि 100 क्या कत्ल करो, अल्लाह से माफी मांगो, सब गुनाह माफ, अल्लाह का इंसाफ कैसा। आपका प्रश्न तो ये है ना कि 100 को कत्ल कर दो, उसके बाद अल्लाह के जाकर रिपेंटेंस करो, रिपेंटेंस के बाद अल्लाह ने आपको माफ किया और आपको जन्नत भी हो गया, है ना ये बात? ठीक है। अच्छा अच्छा, तो मेरी, आप बोलना चाहते हैं अल्लाह यहाँ पर इंसाफ नहीं कर रहा है, है ना? आपको क्या लग रहा है, एक इंसान 100 कत्ल कर देता है और अल्लाह उसको माफ कर देते हैं, तो क्या ये इंसाफ है आपके नजदीक? मेरी तरफ से इंसाफ का जो बात ही है ना, इंसाफ के लिए अल्लाह ने ये बोला, डे ऑफ जजमेंट, कियामत के दिन में अल्लाह ने ये बोला, मैंने मेरे तरफ से जुल्म को हराम किया, अल्लाह ने उसके लिए जुल्म को हराम किया, कहीं किसी को उन्होंने जुल्म नहीं करेंगे। तो आप बोलना चाहता है, आप थोड़े टाइम आगे में बोला क्या 100 लोग को कत्ल किया, उसके बाद उसको पनिशमेंट भी हो गया, एक बराबर हो गया, तो व्हाट अबाउट द 99%, 99% तो क्या होगा, है ना? मेरे जवाब में और मेरे दिमाग में जो आता है, मैंने आपको ये बोल सकता हूँ कि वो जो हदीस है आपने जो मेंशन किया सही बुखारी में जो है, क्या एक लोग ने कत्ल किया 99% को, उसके बाद एक दरवेश के पास गया, है ना, वो तो आप जानते हैं। वहाँ का जो बात है, जो आदमी ट्रू सीकर है और अल्लाह के पास बहुत अच्छी तरह से माफी मांगना चाहता है, उसके लिए ये अलाउ अल्लाह ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसका तो इंसाफ था है उसमें। नहीं, मैंने फिनिश कर देने दीजिए, मैंने फिनिश कर दीजिए प्लीज। उसके बाद है, आप बोलना चाहते हैं कि जो वो जो 100% है, व्हाट अबाउट द 100%, वो 100% को क्या मिलेगा? हाँ, उस 100% को ऐसी अल्लाह ने ऐसी बंदोबस्त कर सकता है, क्योंकि मुसलमानों का ये दुनिया, दैट मीन्स ये दुनिया मैटेरियलिस्टिक नहीं है, ये इस दुनिया के साथ साथ आखिरत भी मुसलमानों का एक मकसद है कि इस दुनिया में हम कामयाब रहेंगे और इसकी दुनिया के बाद उस दुनिया में भी हम लोग कामयाब रहेंगे। यहाँ पर जो बातें हैं, अल्लाह ने उसके साथ, पहला पॉइंट ये है, वो जो पाप किया, 100 लोग को कत्ल किया, तो 100 लोग को कत्ल करने के बाद उसको कोई माफ नहीं होंगे, तो अल्लाह ताला कैसी अल्लाह है जिन्होंने उसके जो पैदा किया उसको अल्लाह नहीं क्षमा करता है, जो दिल से क्षमा मांगना चाहता है, उसके गलत भी उसके दिल में महसूस हुआ कि यह गलत काम है, तो उन्होंने क्यों नहीं क्षमा करेंगे? पहला प्रश्न मेरे ये है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह का जो पॉइंट है, अल्लाह तो क्षमा करेंगे ही, परंतु इस वो 100 लोग को कत्ल कर लिया, तो 100 लोग को और इस लोग को, 101 लोग को अल्लाह जन्नत में दे सकती है, परंतु इसका जो
ऑनर होगा, जन्नत में भी तो ऑनर होंगे, एक दो तीन चार ऐसी तरह से, वो जो 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 101 नंबर, दैट मीन्स द लास्ट वन, दैट इज हु इज किलिंग है, कि जो किलिंग कर रहे हैं उसको इस 100 बंदे के नीचे देंगे, हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कोई गलत नहीं करेंगे कियामत के दिन, दैट मीन्स द डे ऑफ जजमेंट ही विल नॉट डू एनी रॉन्ग। तो बात यह है कि अल्लाह उसको पूरी तरफ से रिवार्ड इस दुनिया की बात भी दे सकती है, क्योंकि मुसलमानों का और अल्लाह की इच्छा है, अल्लाह सभी को क्षमा करेंगे और अल्लाह सभी लोग अल्लाह के पास जाकर रिपेंटेंस करें, ये अल्लाह का ये अल्लाह पसंद करती है। मेरी जवाब मेरे तरफ से ये है भाई साहब। ठीक है, कट्टर हिंदू जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। इस्लाम हैज कॉन्सेप्ट फॉर मुशरिक, कॉन्टेम्प्ट फॉर मुशरिक आइडल वर्शिपर्स, बट मुशरिक डोंट इवन टॉक अबाउट मोमिन्स इन देयर रिलीजन। मोमिन को दुख देकर हमें कोई जन्नत नहीं, बिल्कुल। हाँ, मोमिन के बारे में तो ये लोग बात भी नहीं करते हैं, मुशरिक लोग, ये हमारे कट्टर हिंदू जी कहना चाह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। गालिब भाई, हमारे इल्म साहब से आप बात करिए इस मसले पे, इन्होंने कुछ अपनी दलीलें रखी है, कुछ लॉजिक लगाया है। इसके लिए पहले आप वो हदीस पेश करिए। कौन सी वाली जो आपने बोला था? हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। सभी को माफी तो अल्लाह ने जहन्नम क्यों बनाई? हाँ, माफी सबको दे दिए तो जहन्नम क्यों है? जहन्नम ही नहीं बनाते। ठीक है, चलो मैं हदीस पढ़ दूं। ये हदीस की मेरे लिए आप पेश करते हैं? हाँ, मेरे लिए आप पेश कर रहे हैं मेरे लिए? हाँ, ये क्या सही उल बुखारी का है? हाँ, सही उल बुखारी का है। ये क्या वो जो तकदीर के वाला जो हदीस है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के डिस्क्राइब भाई अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु है ना जी? ओ दैट मींस 40 पढ़ लूं मैं ताकि हमारे, एक मिनट इल्म भाई, मैं पढ़ लेता हूं ताकि आधे से ज्यादा तो, हां, लोगों को भी पता चलेगा, क्योंकि मुझे मुझे उर्दू नहीं आते तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। ठीक है। हमको रसूलुल्लाह ने बयान सुनाया और आप सच्चों के सच्चे थे और आपकी सच्चाई की जबरदस्त गवाही दी गई। फरमाया कि तुम में से हर शख्स पहले अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुतफा ही रखा जाता है, फिर इतनी ही मुद्दत में अलका यानी खून की फटकी बस्ता खून बनता है, फिर इतने ही अरसे में मुदगा यानी गोश्त का लोथड़ा, फिर 4 माह बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है और इसके बारे में माँ के पेट ही में 4 बातों के लिखने का हुक्म दिया जाता है, इसकी रोजी का, इसकी मौत का, इसका कि वो बदबख्त है या नेकबख्त। पस वल्ला तुम में से एक शख्स दोजक वालों के से काम करता रहता है और जब इसके और दोजक के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला या एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है तो इसकी तकदीर इस पर गालिब आती है और वो जन्नत वालों के से काम करने लगता है और जन्नत में जाता है। इसी तरह एक शख्स जन्नत वालों के से काम करता रहता है और जब इसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है तो इसकी तकदीर इस पर गालिब आती है और वो दोजक वालों के काम करने लगता है और दोजक में जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि आदम बिन अबी अय्यास ने अपनी रिवायत में यूं कहा है कि जब एक हाथ का फासला रह जाता है। जी गालिब भाई, मैंने पढ़ दिया हदीस। तो भाई सब कुछ तो सेट हुआ पड़ा है, फिर काहे बात का टेस्ट? सारा मामला तो खुद से है। हाँ, बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, सारा मामला फिर का है बट की जो क्लियर नहीं लग रहा है क्योंकि काटिंग हो रहा है। और साहिल भाई, आपको कुछ मालूम हुआ गालिब भाई का? हुआ तो प्लीज वो ये कह रहे हैं कि इस हदीस के हिसाब से ऑलरेडी सब तय पा गया है कि उसकी नसीब में लिख दिया गया है कि वो अच्छा काम करेगा जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। यहाँ तक कि ये लिखा है
वो जहन्नम वाले काम करता है, लेकिन चूंकि उसके नसीब में जन्नत लिखी गई है तो वो उसकी नसीब उसके ऊपर गालिब आ जाती है और वो जन्नत वाले काम करने लग जाता है और जन्नत में चला जाता है। इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके से आगे ये लिखा है कि वो जन्नत वाले काम करने लगता है मगर चूंकि उसके नसीब में जहन्नम लिखी है तो उसकी नसीब उस पे गालिब आती है और वो जहन्नम वाले काम करने लग जाता है यहाँ तक कि वो जहन्नम में पहुंच जाता है। तो इस हदीस से साफ साफ ये मालूम पड़ रहा है कि इंसान के इख्तियार में तो है ही नहीं, उसकी नसीब में जो लिखा गया है वो उस पे गालिब आ रही है, हालांकि वो अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नसीब गालिब आ जा रही है, फिर वो गलत कामों की तरफ मुड़ जा रहा है और उसको जहन्नम मिल जा रही है। ये उनका सवाल था आपसे। ओह दैट मींस तकदीर द प्रॉब्लम इज दैट अल्लाह हैज रिटन ऑल दोस थिंग्स प्रीवियसली एंड वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू हिज राइटिंग्स, है ना ये बात? हाँ दैट मींस हम अल्लाह जो लिखा है हमने तो वही तरह से हम काम कर रहे हैं। जी हदीस में इसी तरीके से है। हाँ 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 हदीस में तो ऐसे ही भी है बट कुरान में भी और इसकी सप्लीमेंटरी है कुरान की। नहीं, आप इसके बारे में पहले बताइए ना सर, इस हदीस के हिसाब से। तो रिलेटेड है ना, इसीलिए तो हम बताना चाहते हैं कि कुरान क्या होता है। कुरान और हदीस तो सेम है, बात डिफरेंस ये है कुरान नमाज में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, यही डिफरेंस है। तो कुरान में जो नमाज में नहीं पढ़ते हैं, हदीस नमाज में नहीं पढ़ते हैं। हाँ हाँ हदीस तो नमाज में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि तिलावत के टाइम पे, तिलावत के टाइम पे हम लोग हदीस नहीं पढ़ते हैं, परंतु कुछ कुछ हदीस है जिसको पढ़ना जा सकती है वो। अच्छा ये बताइए कि इस हदीस के ऊपर आपका क्या कहना है, इस हदीस के हिसाब से एक इंसान के लिए जो नसीब में लिख दिया गया है उस हिसाब से वो अमल करता है, बल्कि अगर वो जन्नत वाले काम भी करने लगे लेकिन उसके नसीब में अगर जहन्नम है तो वो जहन्नम वाले काम करने लग जाता है क्योंकि उसकी नसीब उस पे गालिब आ जाती है। हाँ इसका जवाब दीजिए आप। तो इंसाफ कहाँ रह गया? अच्छा ठीक है, अल्लाह क्या ठीक ने है? ये भी बताया, अल्लाह ने नहीं ये नहीं भी आप बताया। ये जो बताया इससे आपने क्या समझा वो तो बताओ सर। इस हिसाब से तो यही हुआ ना कि उसके नसीब में अगर जन्नत है तो वो भले से वो जहन्नम वाले काम भी करे लेकिन लास्ट में वो करेगा जन्नत वाले काम क्योंकि उसकी नसीब गालिब आ जाएगी। हाँ तो ये इंसाफ कहाँ से, इसका जवाब दीजिए आप। हदीस में जो आप जानना चाहता है मेरी बात ये है कि आदमी का जो फिनिशिंग टाइम का जो अमल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ तो उसकी नसीब उस पे गालिब आ रही है लेकिन उसकी नहीं नसीब नहीं जो नहीं लिख नहीं दी गई नसीब थी। नसीब ऐसी नहीं कि अल्लाह ने लिखा है कि वो ये काम कर रहा है, अल्लाह एक ने। मिनट मैं फिर से पढ़ दूँ, इंग्लिश आती है ना आपको? हाँ, वो तो मैं इंग्लिश जानती हूँ। पढ़ू? आप क्या मेरी बात ये है कि आप क्या जो इस हदीस में जो है इसका जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपको आपको मालूम होगा और आप जानना चाहते हैं, तो उसी तरह से मेरे कोई बात नहीं होंगे, क्योंकि सभी हदीस का बहुत सारे हदीस का बात ही एक कर रहा है परंतु इसका मीनिंग दूसरा कोई होता है तो ना। कौन सा मीनिंग है और कौन सी हदीस में है? इसका एक मिनट मीनिंग एक जो मिनट। ये है हमारी जो बुजुर्गान दीन है और जो मुरब्बियान इकराम है उन्होंने बोला है कि इस हदीस के लिए बात ये नहीं कि उसने लिखा हुआ है पहले से ऐसे ही इसलिए वो ये काम कर रहा है, उसने उन्होंने ये काम करेंगे लिए वो इसको लिखा हुआ है, बात नहीं, ये है। अगर एक मिनट एक मिनट, अगर उन्होंने करेंगे करके अगर लिखा है तो ऐसा नहीं होता ना, लिखा इसमें रहता कि वो अच्छा काम करता होता है लेकिन चूंकि उसके नसीब में जहन्नम है इसके लिए वो जहन्नम वाले काम करता है क्योंकि उसकी नसीब जो है उसके उसके ऊपर गालिब आ जाती है। आप जो बोल रहे हो ना वो हाँ बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो आप जो बोल रहे हो उल्टा उल्टा तो बोल रहे हो। उल्टा तो आप होगा सोचिए, ही, उल्टा सुनिए मेरी बहुत बात सारे इल्म हदीस भाई, है, मैंने तो आपको बोला एक मिनट ना। एक मिनट एक मिनट इल्म भाई मेरी बात बोलिए सुनिए बोलिए आप। बोलिए बोलिए। अगर अगर ऐसा होता कि आप ये काम करने वाले हैं इसके लिए आपकी नसीब में वो लिखा गया है तो इसमें यहाँ ऐसा नहीं लिखा होता कि वो अच्छा काम कर रहा है लेकिन चूंकि उसके नसीब में उसके नसीब में जहन्नम है इसके लिए उसकी नसीब उस पे गालिब आती है और वो गलत काम करने लगता है।
तो इसमें इसकी क्या गलती है जब इसके नसीब में ही लिख दिया गया है, और भलके बल्कि उसको गालिब भी कर रहा है अल्लाह। थोड़ा सच्चाई के साथ बताइएगा भाई, मैं समझ गया आपके दिल में आपने ये बात आ गई है कि इधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है भाई साहब। तकदीर ऐसी बात है, तकदीर ऐसी बात है जो हमको अवश्य अवश्य विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये अवश्य विश्वास का जो 6 पॉइंट्स है उन्होंने ये एक है ना, ठीक है। तकदीर, तकदीर क्या है? तकदीर, तकदीर हम मेरी तरफ से मैं जो मानती हूँ तकदीर क्या है, आप सारे क्या मानती है? बोलता हूँ, बोल रहा हूँ क्या, मैंने सारे साल बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किया है ना, मैंने जिस दिन मेरे एग्जाम होगा, मैंने एग्जाम जाने के बाद और जाने के पहले में मैंने मेरे कोई एक्सीडेंट हो गया, मैंने उस एग्जाम नहीं दे पाए, ये है मेरा तकदीर। जिस तकदीर को हम विश्वास करना चाहिए कि ये मेरे तकदीर में था इसीलिए मैंने एग्जाम के लिए नहीं जा पाई, है ना, तो उसमें आपकी क्या गलती है अगर वो तकदीर में मेरी, था तो? मेरी तरफ से तो कुछ की गलती है ना, उसी हाँ, उसी तरह कह रहा हूं। हाँ, तो आपकी क्या गलती है? एक मिनट इल्म भाई, आप तो वही बोल रहे हो जो हम प्रूव करना चाह रहे कि आपके तकदीर में था इसके वजह से आप इस एग्जाम नहीं दे पाए, तो उसमें आपकी क्या गलती है? मेरी तो कोई गलती नहीं है। हाँ, तो इसी तरीके से आपकी तकदीर में, इसी तरीके से आपकी तकदीर में जहन्नम लिखी हुई थी, तो उसमें आपकी क्या गलती है? आपको क्यों जहन्नम में डाला जा रहा है? आपकी तो तकदीर में है ये। अच्छा, मैंने आपको आपको बोल रहा हूँ क्या, आपको मैंने बोला, आपको मैंने बोला ये काम मत करो, क्या नहीं करो, ये काम मत करो, फिर भी आप वो काम किया, ये क्या मेरे तकदीर में लिखा हुआ है इसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो मेरी क्या गलती है? हम लोग जब इस दुनिया के आने के पहले में अल्लाह ने हमारी तरफ से एक प्रॉमिस ले लिया क्या, तुम वहां पर जाकर अच्छे अच्छे काम करोगे, हाँ हमने उसको प्रॉमिस को हम उसको एश्योर किया कि हाँ हम आपका प्रॉमिस मानेंगे, तो उन्होंने जब ये बोला, हम लोग ये यहाँ पर आकर वो काम क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हमारी तकदीर में लिखा है ना भाई कि हम नहीं मानेंगे, हम तो अच्छा काम कर रहे थे लेकिन हमारी तकदीर गालिब आ गई उस पे, हदीस में खुद लिखा है कि वो अच्छा काम करने करता है लेकिन चूंकि उसकी तकदीर में, उसकी नसीब में जहन्नम है, तो वो अपने आप जो है वो गलत काम करना शुरू कर देता है और जहन्नम में चला जाता है। हाँ, तो ये इंसाफ कहाँ से हुआ भाई? बात ये है कि उन्होंने उसका अच्छा नहीं लगा, किसका अच्छा नहीं लगा, वो काम जो काम हुआ उसको उसको वही अच्छा लगा, क्योंकि सपोज एक लोग कोई दूसरे के साथ बलात्कार किया है ना, तो बलात्कार करने के बाद वो लोग ये कहेंगे कि हमारी तकदीर में तो ये थे इसीलिए हम बलात्कार किया। हाँ, ये तो बिल्कुल, ये हदीस के हिसाब से वही है क्योंकि वो लिख दिया गया था। एक मिनट इल्म भाई, आपकी बात जो है बिल्कुल सही है और वही हदीस भी बता रही है कि हमारी नसीब में हमारी तकदीर लिख दी गई थी कि हम बलात्कार करेंगे, तो किया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, मैं एक मिनट चलते हैं तो बात समझ में आएगी। इस हदीस के बारे में, इस हदीस से बिल्कुल साफ हो जा रहा है कि इंसान अच्छा काम कर भी रहा है लेकिन उसकी तकदीर में, उसकी नसीब में अगर जहन्नम है तो वो ऑटोमेटिकली गलत काम करेगा, उसकी नसीब जो है उस पे गालिब आ जाएगी, तो बताइए कि फिर ये इंसाफ कहाँ है अल्लाह का? अच्छा अच्छा, हदीस लेके आए गालिब भाई ने, जबरदस्त। हाँ, गालिब भाई ने जो हदीस बोला वो 100% करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग बात ये है कि एक हदीस का एक्सप्लेनेशन और दूसरे कोई हदीस से ही हो सकता है ना। अच्छा, कौन सी वो हदीस है जरा बताइए इसका और एक्सप्लेनेशन, अलग सा एक्सप्लेनेशन है? ये सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है। बताइए, एक मिनट इसको मुझे और ढूंढना पड़ेगा। गाइस, वीडियोस को जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, शेयर कर दे, हमारे भाई है जो लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी लैंग्वेज से, उनकी एक्सेंट से समझ में आ जाता है वो कहाँ के है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं, नो प्रॉब्लम, आपको मालूम हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना।
जी वैसे भी आप मोमिन है, आपको क्या खतरा है, किससे खतरा होगा आपको? नहीं खतरा के नहीं ली, जस्ट ऐसे ही खतरा खतरी वो खूब खूब की बात नहीं है। एक बात बताओ, सही मुस्लिम है ना? हाँ। आपकी तकदीर में था कि आप आज इधर आना था, आपकी तकदीर में, तो आ गए आप। हाँ, पहले भी मैंने देखा है ना, देखते हाँ। देखते आप बातें सुना, बहुत सारी बात हो लेकिन हो रहा है, आज आज तकदीर में था ना आपके, आप आ गए। ये देखिए नीरज सिंह जी लिख रहे हैं, तकदीर लिखने वाला कौन है? कौन है तकदीर लिखने वाला भाई? अल्लाह ने, अल्लाह ने ही तो। अच्छा ठीक है, तो सारा खेल बिगाड़ा है खुद अल्लाह ने? नहीं नहीं, हम ऐसी तरह से बात नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको सच्चाई कबूल नहीं करना है। हमारे सामने जो हदीस है उसके मुताबिक तो वो अल्लाह ने ही सब किया है ना। कोई अगर बलात्कार कर रहा है तो अल्लाह ने लिखा तकदीर में उसका बलात्कार होना है, तो यानी इस्लामी कॉन्सेप्ट से अगर मैं देखूं तो, हमारे कॉन्सेप्ट से देखोगे तो इंसान की खुद की गलती है जो करता है वो, उसके लिए फिर आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा अगर सही कॉन्सेप्ट को मानना है तो। एक मिनट, मेरी तरफ से अभी भी तो ये हदीस का जो ये है ना नंबर, मुस्लिम का ये नंबर मैंने नहीं दे सकती क्योंकि ये। हाँ, क्या नहीं दे सकती आप, मुस्लिम का नंबर नहीं दे सकती क्योंकि तो आपकी बात हम लोग कैसे मानेंगे ये बताइए। अहमद अहमद के हम, और भी इस हदीस ने अहमद की बस भी है, मुस्नद अहमद। बताइए, एक मुझे ढूंढने दीजिए। तो आप एक काम करिए ना इल्म जी, आप है ना, आप एक काम करिए, अभी स्ट्रीम और लंबी चलेगी अगर जब तक हमारे मोमिन भाई जुड़ते जाएंगे तो स्ट्रीम लंबी चलेगी। एज ऑफ नाउ इस हदीस के मुताबिक, ठीक है, आदम मामू जी ने $10 हांगकांग डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट आदम मामू जी फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। बाकी लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दीजिए, वीडियोस को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जितने हमारे नए व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी बातें करोड़ों लोगों तक पहुँचे, मुसलमानों तक, गैर मुसलमानों तक, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वो गैर मुस्लिम जिनको हमारे मोमिन भाई जाके पकड़ पकड़ के इस्लाम की दावत देते हैं, अगर उनको ये सब चीज का इल्म नहीं होगा तो वो एक ना एक दिन वो लोग इस्लाम में कबूल, इस्लाम कबूल करके इस यानी जो एक कट्टर सोच आ जाती है गलत जगह पे वो लोग चले जाएंगे। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ मुसलमानों तक आपको नहीं पहुंचाना है, गैर मुस्लिम तक भी पहुंचाना है, कि ताकि अगर कोई मोमिन आके आपको दावत देने की कोशिश करे तो आपके पास सवाल हो कि आप उनसे क्या सवाल आपको करना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है और इसके लिए आप सब लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग अगर वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे तो हमारी बात नहीं पहुंचेगी। मैं पहले ये समझता था कि हमारी दावत जो है वो हमारी बातें मुसलमानों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, लेकिन गालिब भाई ने मुझे, मिर्जा गालिब भाई ने एक अलग एंगल बताया। हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि सिर्फ मुसलमानों तक नहीं, वो नॉन मुस्लिम तक भी जाना जरूरी है, क्योंकि इस्लाम की जो दावत है वो उसका जो तरीका है बहुत स्ट्रांग है। वो गांव गांव गली गली में जाके दावत करते हैं ऐसे हिंदुओं को, ऐसे क्रिश्चियन को जिनको इस्लाम की मालूमात होती नहीं है। तो अगर ये बातें उन तक पहुंचेंगी तो कम से कम उनके पास कोई सवाल तो होगा कि उनको सवाल क्या करना है अगर कोई मोमिन आके दावत देने की कोशिश करे। अच्छा भाई साहब, मेरे पास वो हदीस आ गई है, देखिए तो मेरी तरफ से आपको मिल रहा है क्या? नहीं, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। ये है कि व्हाइल द प्रॉफिट वाज इन ए फ्यूनरल प्रोसेशन ही पिक्ड अप समथिंग एंड स्टार्टेड स्क्रैपिंग द ग्राउंड विद इट एंड सेड देयर इज नन अमंग यू बट हैज हिज प्लेस रिटर्न फॉर हिम आइदर इन द हेल फायर और इन पैराडाइज।
They said, "O Allah's messenger, shall we not depend upon what has been written for us and give up deeds?" He said, "Carry on doing good deeds, for everybody will find easy to do such deeds as well lead him to his destined place for which he has been created. So he who is destined to be among the happy will find it easy to do the deeds characteristic of such people, while he who is destined to be among the miserable ones will find it easy to do the deeds characteristic of such people." Then he recited, "As for him who gives in charity," ठीक है ये छोड़ दो। अब इसमें भी हमारी बात साबित हो रही है इल्म भाई। रसूल कह रहे हैं कि जो उसके लिए लिख दिया गया है उसको वो करने में आसानी होगी। बात वही आ रही है कि जो लिख दिया गया है वही होने वाला है। लिख दिए हुआ है परंतु वो लोग तो उसको तो मालूम नहीं है। क्या नहीं बोला है मुझे मालूम। एक मिनट इल्म भाई, मुझे मालूम रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए लिख दिया गया है कि मुझे जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। अब मैं काम उसी तरीके से करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए आसानी कर दी जाएगी। अगर मेरे लिए जहन्नम लिख दी गई है तो मेरे लिए वो जहन्नम में जाने वाला काम मेरे लिए आसान कर दिया जाएगा, ये हदीस बोल रही है। अच्छा भाई साहब, एक मिनट मेरी तो आपको अपने आप को और फंसा दिया। मुझे नहीं बोलने दीजिए। ये जो ये तो रूलिंग्स है ना इस्लाम का, ये तो इस्लाम का रूलिंग्स है ना। क्या ये जो आप हदीस में जो पढ़ा है, पहली जो हदीस जो ये भाई ने बताया, आपने जो पहली बार जो हदीस मिर्जा गालिम भाई ने जो बताया है ना, उसका उस हदीस में वो हदीस तो एक हमारे लिए टीचिंग्स है ना। हम सिर्फ एक हदीस को लिए सभी जो टीचिंग्स है उसको तो हम तर्क नहीं कर सकते हैं। आपने तो हम एक हमको सबको एक साथ करके, मेरे की फिनिश करने दीजिए प्लीज। हम सबको एक साथ पढ़ के उसके बाद जो उसका हमारे लिए जो बेहतर महसूस होगा वो तो हमको फॉलो करना चाहिए है ना। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमको बता रहे क्या कि हम लोग ये नमाज छोड़ देंगे और रोजा छोड़ देंगे, हज छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे तकदीर में है तो हम ऑटोमेटिक ये काम करेंगे। इसमें जो बात है कि इसमें दिमाग को भटक करके ले जा सकती है, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग जो पैटर्न जो है ना इसको ठीक करने के लिए ये बहुत सारे हदीस हमारे पास है। तो यही बात है। हो गई आपकी बात? हाँ हो गई ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक हदीस हमने आपको बताई, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा है कि नसीब जो है वो इंसान के अमल में गालिब आएगी। अगर उसके उसके लिए उसके तकदीर में अगर जन्नत लिखी है तो वो जन्नत वाला काम करेगा, अगर जहन्नम लिखी है तो जहन्नम वाला काम करेगा। आपने बोला इसके एक्सप्लेनेशन में हो सकता दूसरी हदीस भी है। मैंने कहा कि ठीक है वो हदीस बताओ। फिर आपने एक अली वाली हदीस लेके आए, उसमें भी वही लिखा है जो ये हदीस में लिखा है। रसूल कह रहे हैं कि उसकी तकदीर फिक्स हो गई है। अब जब सहाबा ने कहा तो क्या छोड़ दे, तो रसूल ने ये नहीं कहा कि ठीक है तकदीर में जो लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो अमल करोगे उससे फर्क पड़ेगा। बल्कि रसूल ने कहा कि अगर आपकी तकदीर में अच्छाई लिखी है तो आपके लिए अच्छा काम करना आसान हो जाएगा, अगर आपकी तकदीर में बुराई लिखी है, जहन्नम लिखा है, तो आपके लिए बुरा काम करना आसान हो जाएगा, ये लिखा है। तो मसला वही आ जाता कि तकदीर में जो है इंसान वही करेगा एज पर इस्लाम, तो इंसान की क्या गलती? तो ये तो ना इंसाफी है। हाँ तो ठीक है, आपका बात हो गया। अब सेम चीज आप रिपीट नहीं करना, इसके अलावा सेम चीज रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, सेम चीज नहीं करेंगे, करना चाहिए। इसमें जो हदीस में जो दूसरा हदीस मैंने बोला, इसमें जो बोला क्या, जो काम करते रहते हो वो कस करते रहो, वो तुमको तुम्हारे लिए इजी होंगे। ये बात तो कुरान में भी है कि अल्लाह ताला कोई ट्राइब्स को और कोई क्लान को जो तकदीर है उसको चेंज नहीं करते हैं उसके उसके अमल के बिना। तो अमल तो उसको करना चाहिए, ये तो बात तो भी है कुरान में भी, यही बात है। अमल तो वो ऑटोमेटिकली वो ही आप बोले। एक मिनट देखिए अली भाई, यही मैं देता हूँ आपको, मेरा सवाल सुन लीजिए। यही तो कॉन्ट्रेडिक्शन है ना कि आप वही काम करोगे एट दी एंड जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है।
क्योंकि आप अगर अच्छा काम करने की कोशिश भी करोगे, जैसे कि ये हदीस में है कि वो अच्छा काम कर रहा है लेकिन चूंकि उसकी तकदीर में जहन्नम है तो वो ऑटोमेटिकली वो जहन्नम वाले काम करेगा, तो एट दी एंड आप करोगे वही जो आपकी नसीब में कुदरत आपके आपकी तकदीर में लिखा हुआ है। तो भाई फिर उसमें हमारी क्या गलती, जब हमारे अल्लाह ने तकदीर हमारी पहले से सेट कर दी है माँ के पेट में ही, तो हमारी क्या गलती भाई, ये इंसाफ कहाँ से हुआ अल्लाह का जो हमको जहन्नम में भेज रहा है, खुद लिख रहा है तकदीर में जहन्नम में जाओ और हमको दोष, यानी हमारी हमारी गलती का है, हम तो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। हाँ, तो बात ये है कि एक बात बताइए, ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसी है, ह्यूमन बीइंग का नेचर ही ऐसी है। एक बात बताइए, जो लोग अच्छा है वो तो उसको तो ऐसा ही अच्छा लगेगा ना, कोई किसी को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, वो पढ़ते पढ़ते उसको तो अच्छा ही लगने रहेगा। और दूसरी बात, कोई खराब काम करेंगे और पाप करेंगे तो उसको पाप में मजा आएगा, जो नमाज पढ़ेंगे नमाज में उसका मजा आती उसको है, मोजा क्यों आ रहा है पढ़ना चाहेंगे, यही है इसकी बात, उसको मोजा क्यों आ रहा है। एक मिनट, हेलो हेलो, बोलो बोलो। इलम भाई, तबलीगियों की तरह मत कीजिए कि बात कुछ और हो रही हो और आप पूरी अपनी तकरीर करें, वो अच्छी बात नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है। आप उनसे क्या सवाल करना चाहते गालिब भाई, आप वो सवाल करें उनकी बात पे। हाँ चलो, मैं दोबारा पीछे चलता हूँ कि भाई अब 100 लोगों के कातिल को माफ कर दिया गया, फर्ज कीजिए उसमें से 30 लोग आपके घर के थे, क्या आपके साथ हुआ? 30 लोग, फर्ज कीजिए 30 लोग आपके घर के थे, जो 100 लोगों का कत्ल हुआ उसमें 30 आपके घर के थे, अब ये बताइए अल्लाह ने उसे माफ कर दिया कातिल को, क्या आपके साथ हुआ? उस 30 लोग जो मेरी घर की भी हो सकती है, हाँ क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने जो हम 30 लोग को भी माफ कर दी दिया और उसके साथ वो उसको भी माफ कर दीजिए कर दे दिया। अरे तो भाई आप, अच्छा आप जो 30 आपके घर वाले वो हिंदू है ठीक है, क्या अल्लाह उनको माफ करके जन्नत दे देगा? नहीं, क्योंकि हाँ। उनको तो ये मतलब विश्वास नहीं हुआ। नहीं उसको, नहीं हाँ, तो फिर उसको, तो, उसको तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो हिंदू है तो उनका कत्ल जायज हो गया? नहीं नहीं, ये कत्ल जायज होने के लिए नहीं, मेरी बात ये दूसरा पॉइंट है। नो, मेरी बात सुनिए प्लीज, ये दूसरा इल्म भाई एक मिनट, देखिए मैं गालिब भाई ने जो सवाल किया ना उसको थोड़ा रिफाइन करके आपको बता रहा हूँ ठीक है। नीरज सिंह जी, 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। डेस्टिनी और तकदीर में डिफरेंस क्या है? तकदीर वो है जो आपके साथ होने वाला है, और डेस्टिनी मेरे ख्याल से मंजिल को बोलते हैं, इतना इस पे मुझे ज्ञान नहीं है, कोई अगर कमेंट में मेंशन करते डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी आपकी मंजिल, आप कहाँ पे पहुंचने वाले हो, शायद वो डेस्टिनी है। तकदीर तो आपके साथ जो होने वाला है वो तकदीर है ठीक है। इल्म भाई मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूँ, जो बैक टू टॉपिक आते हैं, गालिब भाई ने बोला कि जो 100 लोगों को उसने मारा था उसमें से 50 हिंदू है ठीक है, ठीक है, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया ठीक है। आपने जो एक बताई कि हो सकता है कि अल्लाह उसको माफ करके ये 100 को जो मारा है उसको भी माफ कर दे ठीक है, लेकिन अगर वो 100 में 30 लोग 40 लोग अगर आपके घर वाले वो हिंदू थे या क्रिश्चियन थे तो उसको तो अल्लाह बाय डिफॉल्ट माफ नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मुशरिक है, उन्होंने शिर्क किया है, तो इंसाफ क्या हुआ, कैसे हुआ? फिर इंसाफ ऐसी तरह से हुआ, मेरी बात सुनिए, पहले जो वो जो 30 और 50 जितने भी आप बोला, 50 मेरे रिलेटिव्स हो वो हिंदू हो और कोई क्रिश्चियन हो, एनी अदर फ्रॉम रिलीजन, ये बात ये नहीं है कि वो लोग उसके टाइम खत्म होने के बाद मर जाए तो भी तो उस अल्लाह ने उसको तो जहन्नम भी देंगे। तो बात ये है कि उस 50 और 30 लोग को क्या करेंगे, उसमें जितना जो पनिशमेंट लेवल है उसकी उतना डीप में नहीं देकर उसके अपर में दे सकती है, ये फैसला अल्लाह के पास हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ने बोला है अल्लाह जुल्म हराम। एक मिनट भाई इल्म भाई, अपने अपने आप से आप कुछ भी बोल दोगे, आप नबी नहीं हो, आप अल्लाह नहीं हो, आपने कहा कि वो 30 लोग जो है उसका नहीं, तो आपके हो सकता है बोलने से नहीं होता है ना सर,
आपको उसकी दलील देना पड़ेगा कुरान से। एक मिनट भाई, आपके बोल देने से हो सकता है बोल के आप बच नहीं सकते हो ना। आप जो ये बोल रहे हो कि वो 30 लोग अगर हिंदू है तो उनका कत्ल कर दिया गया, तो चूंकि अल्लाह ने इसको माफ कर दिया तो वो 30 लोग का जो पनिशमेंट है उसको अल्लाह हल्का कर देगा, ठीक है? हो तो सकती है, हो सकते, हो सकता से तो कुछ भी हो सकता भाई। हो सकता से तो दो अल्लाह भी हो सकते, 10 अल्लाह भी हो सकते, 100 भी अल्लाह हो सकते। ऐसा सिर्फ बोल देने से नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपने अभी बताया कि, हाँ सुनो अभी मेरी बात, आपने जो ये बताया कि ऐसा होगा उनके साथ कि उनकी पनिशमेंट कम कर दी जाएगी या उसका बदला दिया जाएगा उनको कुछ और, तो इसकी दलील जरा बता दीजिए कि कोई ऐसा करता है हिंदू का कत्ल हो जाए और अल्लाह अगर माफ कर दे तो इनकी पनिशमेंट कम हो जाएगी, ये बताइए जरा इसकी दलील। एक हदीस भी है मेरी तरह से, ऐसे हुबहू ऐसी तरह से हदीस नहीं है, हुबहू हदीस नहीं है परंतु उसके करीब का कोई हदीस है। कियामत के दिन 4 तरीके के लोग अल्लाह के साथ झगड़ा करेंगे, उनमें से एक लोग भी ऐसे है जिसके पास कोई पैगंबर नहीं भेजा, तो उन्होंने अल्लाह उसको पूछा, क्या पूछेंगे क्या हुआ। यहाँ पे पैगंबर नहीं भेजने वाली बात नहीं हो रही, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं हिंदू है जिन तक दावत पहुंच गई, ठीक है, उनको मालूम है कि हाँ इस्लाम की दावत ये, फिर भी उन्होंने कबूल नहीं किया। अब तो बताइए कि ऐसे 100% करेक्ट है उसका क्या करेक्ट है, मौत जिस टाइम पे भी हो, उसका मौत जिस टाइम पे भी हो, जैसी तरीके से ही हो, उसको उसको जहन्नम भी जाना होगा क्योंकि ये अल्लाह का लॉ है। तो यही कह रहा हूँ ना भाई, गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, नो चांस, ये अल्लाह ने बोल दिया। तो भाई इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, तो ये जबरदस्ती के आप फेक एक्सक्यूजेस मत दो ना। मैं ये बोल रहा हूँ फिर से कि उसने जो 100 कत्ल किया उसमें से 30 जो हिंदू है, तो उनके साथ इंसाफ कहाँ हुआ? अगर अल्लाह उसको माफ कर देगा तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो 30 जो 30 को क्यों, जो जितनी तरीके से गैर मुस्लिम है वो 30 लोग बात दीजिए, जिसकी जितनी तरह से 30 लोग, हजार हजार करोड़ करोड़ लोग जो आप दुनिया में रहती है, इस लोग को का क्या होगा? इस लोग को तो जहन्नम ही मिलेगी, है ना? तो उस तरह से उस 30 लोग को भी जहन्नम मिलेंगे। आप बोल रहे हैं जहन्नम की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आप आपको ऐसा लगता है कि एक मिनट आपको ऐसा लगता है कि किसी को 100 जन को अगर मार दे और वो अगर बोले कि नहीं मैं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी और मुझे इसका पछतावा है, तो उसको माफ कर देना चाहिए? जो 100 गुना किया, 100 कत्ल किया, उसको छोड़ देना चाहिए, ये इंसाफ है? नहीं, छोड़ क्यों देंगे? थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना मेरे भाई। एक बात सुनिए, वो हाँ। जो वो जो लोग जो मार दिया एक लोग जिसको, उस एक लोग को क्या करेंगे, उसका भी पनिशमेंट मिलेगा इस दुनिया में। माफ कर दिया ना अल्लाह ने, अरे वही तो सवाल है ना, दुनिया में भी तो नहीं, हम लोग माफ नहीं कर सकते है अल्लाह, वही कह रहा हूँ ना कि परिवार वालों को नाइंसाफी अल्लाह की, नाइंसाफी क्या होगी आपको? एक बात बताओ, सुनिए मेरी बात सुनिए भाई, ये लास्ट मौका है आपको, उसके बाद हम अभी स्क्रीन से आपको निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। मेरी बात ये है कि 100 लोग को मारने के बाद वो अल्लाह ने उसको क्षमा कर दिया, किंतु उसका जो हद है, जो उसने जो इस दुनिया में रह गया, उसके लिए हम लोग को भी ये फर्ज हो गया कि उसको पनिशमेंट देना, उसको पनिशमेंट देकर उसको सर कटने के बाद और दूसरी तरीके से जैसी तरह से इस्लामिक कंट्री हो, उसको पनिशमेंट देने के बाद वो अल्लाह के पास जाएगा, वो उसको क्षमा मिलेगा। परंतु इस जो ये जो काम किया है भाई, एक मिनट मेरे भाई, अल्लाह के पास वो क्षमा मिल गया। एक मिनट, दुनिया में उसने 100 कत्ल किए, दुनिया में उसको आप जो है ना एक बार मौत दोगे तो 100 कत्ल का बदला आपने उसको अदा नहीं कर पाए। अब मौका था इंसाफ अल्लाह के पास उसको मिलने का, कि उसने जो 100 कत्ल किए अल्लाह उसको 100 कत्ल के हिसाब से उतनी लंबी सजा देता, दर्दनाक अजाब देता, जलाता, उसका भेजा फ्राई कर देता, सब कर देता। ये अल्लाह का इंसाफ ये होता कि उसको 100 कत्लों की सजा दे, क्योंकि दुनिया में तो उसको एक कत्ल की सजा मिल सकती है, 100 कत्ल की सजा एक इंसान के इख्तियार में नहीं है कि उसको एक बार कत्ल करे, फिर जिंदा करे, फिर कत्ल करे, ऐसा 100 बार, ये है नहीं। दुनिया में एक बार मर गया तो वो मर गया, उसको मौत आ गई है। अब असल इंसाफ उसको मिलना था अल्लाह के पास, जो उसने 100 कत्ल किए थे, ठीक है, लेकिन अल्लाह इंसाफ वाला है ही नहीं, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। तो ये अल्लाह का यही हम बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ना इंसाफ ही करता है इस तरीके से माफ करके।
नहीं, मेरी मेरी विश्वास ऐसी, चलिए आप मत मानिए इल्म भाई, हमने आपको बहुत मौका दिया, आप मत मानिए, कोई मुश्किल नहीं, लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि ये तो लाइक फिद्दीन, धर्म मानने की कोई जबरदस्ती नहीं है, है ना? हाँ, आपका लॉजिक मानने की भी कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? और बहुत 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 धन्यवाद है आपको भाई साहब, आपके साथ बात करने के बहुत मजा आए, हो सकता है दूसरे टाइम पे फिर भी हम बात बातें कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, अलाउ कर देंगे तभी तो, जरूर जरूर अलाउ करेंगे, क्यों नहीं अलाउ करेंगे, आपका ही प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है, बहुत सारे धन्यवाद है आपको, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए जी, आप भी प्लीज। दोस्तों थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, कभी कभी मेरा दिमाग भी जलेबी बन जाता है ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट सुन के। खैर, जो नौजवान मुसलमान और इंसाफ पसंद मुसलमान है वो खुद फैसला करेंगे ये सब डिस्कशन सुन के कि किसकी बातों में ज्यादा दम है। थोड़ा पानी पी लूं मैं। चुलबुल जी पूछ रहे हैं पानी में क्या मिला हुआ है, भाई ऐसा अभी लग रहा है कि पानी में कुछ मिलाना जरूर पड़ेगा थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए। गालिब भाई फिर से चले गए यार, गालिब भाई एक से एक दलीलें लाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हाँ मसूद, कुछ हमारे लिए खास? कुछ नहीं, थोड़ा ग्लूकोज वगैरह डाल लो उसमें इतने देर से झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता रहेगा मेरा कान, कभी 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 बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, खैर उनका यानी उनका हक है अपनी बात रखने का, बिल्कुल, बिल्कुल वो जिस तरीके से भी रखे, कोई भी लॉजिक दे, सही लॉजिक दे या इलॉजिकल उनके आर्ग्यूमेंट्स हो,